राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर बैजनाथ शिव मंदिर रंग बिरंगी लाइटों व फूलों से सजाया गया है। पूरा शिवालय शिव जय जयकार से गूंज उठा है। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैजनाथ शिव मंदिर में सुबह 3 बजे से मंदिर के कपाट खोले गए और ये कपाट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। शिवरात्रि महोत्सव का शुभारम्भ सांसद शांता कुमार करेंगे। मेले का आगाज शोभा यात्रा के साथ होगा, जिसके बाद मुख्य अतिथि पूजा अर्चना करने के बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम में ध्वजारोहण कर विधिवत रूप से मेले का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान बैजनाथ के विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा आकर्षक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करने के अलावा लोक संपर्क विभाग के कलाकार कश्मीरी लाल चंबा की लोक संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे, जबकि कांगड़ा के लोक नृत्य झिमाकड़ा का भी पहली सांस्कृतिक संध्या में हरबंस अरोड़ा, हास्य कलाकार पटियाला के कलाकार रुमेल सिंह, ममता भारद्वाज और हिमाचली लोक गायक कर्नेल राणा अपनी प्रस्तुति भी देंगे। प्रशासन ने मंदिर की इस तैयारी के लिए और भगवान शिव की शिवरात्रि मनाने के लिए पूर्ण प्रयास किए हैं और इसमें लाइट है, लाइटिंग है, दूसरे यातायात है और तीसरा यहाँ का यज्ञ जो करना है कल, उसका आहुति डालनी है, इसके सारे जितने भी कम्प्लीट प्रबंध कर लिए गए हैं और इसमें जो भी कल ओपनिंग सेरेमनी है यहाँ 4 तारीख से 8 तारीख तक प्रोग्राम चलेगा और उसमें हमारे मंत्रीगण पधारने वाले हैं। विशेष हमारे अति विशिष्ट श्री शांता कुमार जी आ रहे हैं, यहाँ शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और हर्षोल्लास से सारा शिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए कैसी व्यवस्था की गई है? श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए बहुत सुचारू व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पुलिस, होमगार्ड्स और हमारे एनसीसी के कैडेट्स और यहाँ पे लगाए गए हैं और उनके लिए पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आएंगे, उनके लिए उनको दर्शन देवाधिदेव महादेव के दर्शन ठीक ढंग से हो उनकी पूर्ण व्यवस्था कर दी गई। एस टुडे के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।